हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो यहां पे आई टेप पे जाके मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। इस वीडियो मैंने वेक्टर स्पेस पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया, मतलब लीनियर अलजेब्रा पे, जहां पर मैंने वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, देन बेसिस एंड डायमेंशन, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो यहां पे आई टेप पे जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं लीनियर ट्रांसमिशन। स्टूडेंट, लीनियर ट्रांसमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर हम आएंगे रैंक रैंक ऑफ मैट्रिसेस एंड देन उसके बाद बात करेंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर और आगे सब चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंसेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट ग्रुप थ्योरी में जो हम लोग पढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म, वही टाइप का होता है। बस यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो वेक्टर स्पेस पर डिफाइन होता है, तो इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ग्रुप थ्योरी की वीडियोज भी आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है फॉर जनरल एप्टीट्यूड। अगर आप सीएसई अरनेट की तैयारी करें विद लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो मेरे जो जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है। सुनिए, वो भी आप यहाँ पे आई टेप पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। सो वेक्टर स्पेस, होमोमॉर्फिज्म और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ये दोनों वर्ड से बोला जाता है। स्टूडेंट, यू एफ एंड वी एफ विद द टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, देन द मैपिंग एफ यू टू वी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू इनटू वी। इफ सबसे पहले फर्स्ट ये होता है एफ ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा एंड एफ ए अल्फा इज इक्वल टू ए एफ अल्फा, जहां पर जो ए होता है वो स्केलर होता है और अल्फा बीटा जो होता है हमारे पास किससे आते हैं, यू से आते हैं, राइट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन, इन दोनों को हम कंबाइंड करके ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम ये भी लिख सकते हैं। तो एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू यू, वी इज कॉल्ड द होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ यू। यहाँ पे जो वी होता है ये क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ वी होती है, क्लियर है, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। वी इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ यू, है ना। तो यहाँ पे जो वी होती है क्या होती है, यू की होमोमॉर्फिक इमेज होती है, और ये कंडीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हमारे पास जो होगा ट्रांसमिशन वो क्या होगा, लीनियर होगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल है उसके से आपको क्लियर करूंगा कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पता लगाना है कि ये लीनियर ट्रांसमिशन है या नहीं है। तो नॉर्मली जो बीएससी या एमएससी वाले स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि ये लीनियर ट्रांसमिशन है कि नहीं, आई श्योर दैट दिस इज लीनियर ट्रांसमिशन और नॉट, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट और है जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। और आईआईटी जेएम और सीएसआईआर नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वैसे देखते पता पड़ जाता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, वो मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। बट अभी एक बार हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास यू एफ है वैक्टर स्पेस और ये हमारे पास वी एफ वैक्टर स्पेस है, और यहाँ पे मैं इसको अगर इस तरह से डिफाइन करूँ और यहाँ पे मैपिंग दे रखी है ना। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो सभी एलिमेंट जो इसकी आइडेंटिटी पे मैप होते हैं, है ना, इसकी आइडेंटिटी पे क्या होते हैं, मैप होते हैं। मान लीजिए इसकी आइडेंटिटी जीरो डैश है, तो वो सभी एलिमेंट का जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, कर्नल होता है, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। स्टूडेंट, वो सभी एलिमेंट का सेट जो उसके आइडेंटिटी पे क्या होता है, मैप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। स्टूडेंट, पहली डेफिनेशन तो ये हुई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक नलिटी वर्ड आता है जो हम आगे पढ़ेंगे, रैंक जब पढ़ाऊंगा तब वहाँ नलिटी वर्ड भी आएगा। तो नलिटी का मतलब क्या होता है, ये जो रैंक है, ये जो कर्नल है इसका डायमेंशन है ना, डायमेंशन निकालना मैंने बताया, टिप पे जाके देख लीजिए, इसका जो डायमेंशन होता है वो हमारा क्या होता है, नलिटी के बराबर होता है। इसमें बात करेंगे रेंज एंड नल स्पेस, है ना। अभी मैंने आपको बताया था नलिटी, है ना, तो नल स्पेस वही होता है जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अभी ये बताया, ये नल स्पेस है, क्लियर है, है ना। जो वो कर्नल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नल स्पेस बोलेंगे, राइट। तो वही मैं आपको बताऊंगा, और इसकी जो डायमेंशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं वी एफ, यू एफ एंड वी एफ विद द टू वैक्टर स्पेस एंड लेट टी बी द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, देन द इमेज ऑफ टी डिनोटेड बाई आर टी इज द सेट ऑफ ऑल वैक्टर्स बीटा बिलोंग्स टू वी सच दैट। स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ, होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास यू एफ है और ये हमारे पास वी एफ है ना, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है टी, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपके पास एक इसकी जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी जो इमेज आएगी, मान लीजिए वो यहाँ जा रही है ना, सभी एलिमेंट की इमेज, तो इस ये हमारे पास क्या होगा, रेंज ऑफ टी होता है, क्लियर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेंज, जितने भी एलिमेंट है वो सब हमारे पास यहाँ पे आएंगे, इसकी जो इमेज होगी यहाँ आएगी, इसको क्या बोलते हैं, हम आर टी से डिनोट कर रहे हैं ना। इस कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल वेक्टर बीटा बिलोंग्स टू वी, मतलब वो सभी एलिमेंट हमारे पास किसके होंगे, वी के होंगे, और यहाँ पे इसकी इमेज वहाँ पे अपने को मिलेगी, राइट। सो टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर मान लीजिए यहाँ पे अल्फा है और यहाँ बीटा है, तो हम कैसे लिखेंगे,
टी अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा, क्लियर है। और जो एलिमेंट होगा वो किसमें आएगा, ये जो बीटा एलिमेंट होगा ये किसका होगा, वी का एलिमेंट होगा, राइट, है ना, ठीक है। सो रेंज ऑफ टी का मतलब क्या होता है, बीटा बिलोंग्स टू वी सच दैट टी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब यहां पे जो भी अल्फा एलिमेंट है उसकी जो इमेज है वो क्या आ रही, बीटा आ रही, इस टाइप के एलिमेंट, राइट, है ना। फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू यू, है ना, एंड नल स्पेस ऑफ टी डिनोटेड बाय एन टी एंड इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट, स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था, ये तो मैंने आपको बताया रेंज के बारे में ना, रेंज इसको बोलते हैं रेंज स्पेस, स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे हम, रेंज स्पेस बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज स्पेस बोलते हैं। अभी मैंने इससे पहले जस्ट आपको ज्ञान दिया था कि ये अगर हमारे पास यू एफ है और ये हमारे पास वी एफ है ना, और आप देखे थे मैंने आपको बोला था कि वो सभी एलिमेंट का सेट जो यहाँ पे जीरो पे मैप होता है उसको बोलते हैं कर्नल, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कर्नल बोलते हैं, राइट, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई अल्फा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, और उसकी जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही, टी अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, राइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन टी यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना। तो ऐसे सभी एलिमेंट का सेट को हम एन टी से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हम नल स्पेस बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, नल स्पेस होता है। तो ये जो होता है ये नल स्पेस होता है और नल स्पेस हमेशा यू एफ का सब स्पेस होता है और जो रेंज स्पेस होता है वो हमेशा वी एफ का सब स्पेस, मतलब इस साइड में बनेगा रेंज, है ना, और इस साइड में हमारे पास नलिटी बनता है, राइट, ये ध्यान देने की, और अब ध्यान देने की जरूरत है, इसका जो डायमेंशन होता है, इस नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो नलिटी होता है और जो रेंज स्पेस है इसका डायमेंशन होता है वो क्या होता है, रैंक होता है। आप बोलते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो रेंज स्पेस बनेगा इसका जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, रैंक से डिनोट करते हैं। तो वही चीज यहां पे, बट इफ यू रिगार्ड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इनटू इज अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म ऑफ यू इनटू वी देन द नल स्पेस ऑफ टी इज आल्सो कॉल्ड द कर्नल ऑफ टी। मैंने अभी बताया था नल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, जो मैंने अभी इससे पहले ज्ञान दिया। तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि रेंज स्पेस जो होता है वो इस साइड में बनता है ना, वो इसका क्या होता है, इमेज का बनता है, और जो नलिटी होती है वो हमारे क्या होता है, कर्नल को, नल स्पेस जो होता है हमारे कर्नल के वही होता है, कर्नल ही होता है, राइट। अब बात करेंगे स्टूडेंट रैंक एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, बताया आपको, है ना, क्या होता है, लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस यू एफ टू वी एफ देन वेर यू एफ इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन द डायमेंशन ऑफ द रेंज टी। स्टूडेंट जो भी मैंने बताया था, रेंज स्पेस जो होता है उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होता है, रैंक ऑफ टी के बराबर होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय रो टी, है ना। और रैंक ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ टी या इसको डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस बोलते हैं, राइट। एंड द नलिटी ऑफ टी इज डिफाइंड एज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। स्टूडेंट जो भी हमारे पास नल स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, नलिटी के बराबर होता है, इसको हम एन से लिखते हैं ना स्टूडेंट, इसको हम एन से लिखते हैं। तो नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, नलिटी ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर रैंक ऑफ टी क्या होता है, नलिटी ऑफ टी क्या होता है, मैंने आपको समझाया, राइट। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, शो दैट द मैपिंग दिस वी थ्री आर टू वी टू आर, आपको शो करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट हमारे पास होता है एफ ए बी सी, आपको दे रखा है सी कोमा ए प्लस बी इज द लीनियर, आपको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब भी आपको लीनियर प्रूव करना होता है हमारे पास क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा हम लेंगे एफ, है ना, और हम ये प्रूव कर दें कि यहाँ पे ये आ जाएगा इज इक्वल टू बराबर आ जाएगा एफ ए अल्फा प्लस बी एफ बीटा, अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारा काम हो जाएगा और हम यही प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अल्फा एंड बीटा हमने ले लिया, ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू, और हमने यहाँ पे ए कोमा बी हमने फील्ड से ले लिया एलिमेंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, ए अल्फा प्लस बी बीटा लिया, तो ए और अल्फा हमने ये ले लिया और बीटा ये ले लिया, इसमें ये अंदर जाएगा तो ए वन ए बी वन और ए सी वन और ये हो जाएगा बी ए टू बी सी बी टू एंड बी सी टू, ये हो जाएगा, राइट। अब इसमें हमारे पास ये F आगे लगा हुआ है तो ये एलिमेंट वाइज ऐड हो जाएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड सेकंड से ऐड होगा, थर्ड थर्ड से ऐड हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है ए बी सी, राइट। तो क्या होगा स्टूडेंट, सी कोमा ए प्लस बी, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये सी यहाँ आएगा, है ना, देखो जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो सी हमने यहाँ ले लिया और ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्लियर है। अब वापस क्या कर दीजिए, इसको एलिमेंट वाइज अलग अलग कर दीजिए, तो ये फर्स्ट इस फर्स्ट के साथ अलग कर दिया हमने और सेकंड को सेकंड के साथ अलग कर दिया, है ना, अल्टीमेटली ऐड करने पर ये आएगा। और सुनिए ये देख रहे हैं आप, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से ए कॉमन आ रहा, देखिए आप यहाँ से ए कॉमन आ रहा और यहाँ से बी कॉमन आ रहा, हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा एफ ए कोमा बी कोमा सी, और ये भी हो जाएगा ये, है ना। तो सुनिए हमारे पास एफ अल्फा हो जाएगा, ये एफ बीटा हो जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको इजीली लीनियर प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज हम एक और तरीका होता है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एफ ए अल्फा प्लस बीटा लो और इसको एफ अल्फा प्लस एफ बीटा प्रूव कर दो, ये भी एक तरीका है, इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, शो दैट द मैपिंग वी थ्री आर टू वी टू आर ए बी सी इज इक्वल टू ए माइनस बी एन एफ, दिस वाज सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें ये भी हम क्या करेंगे यहाँ पे, एफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा प्लस एफ बीटा हो जाएगा और ए अल्फा ए
अल्फा इज इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों से हम इसको इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रूव कर सकता है। अल्फा बीटा ले रखा है, देन एफ अल्फा प्लस बीटा लेंगे तो ये डेफिनेशन से इस तरह से हो जाएगा, है ना। इसमें यहाँ पे हम डेफिनेशन लगाएंगे, है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो एफ ए वन बी वन आ जाएगा और ये ए टू बी टू और ए टू ए थ्री बी थ्री, और हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो क्या आ रही है, ए माइनस बी एंड ए प्लस सी। तो सुनिए ये ए है और ये हमारे पास बी है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे और ये हमारे पास होगा ए प्लस सी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, है ना। देन हम क्या करेंगे सुनिए यहाँ पे लगाएंगे डेफिनेशन, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे डेफिनेशन लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। फिर ए अल्फा वाला भी कंसेप्ट लगाएंगे तो उससे भी हम इजीली इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एग्जांपल नंबर फोर। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया यहाँ पे, तो जब भी ऐसा आ जाता है कॉन्स्टेंट आ रहा हो या स्क्वायर आ रहा हो या ऐसा कुछ आ रहा हो, तो ये कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रिक है, है ना। अब यहाँ प्लस टू और प्लस थ्री आ गया मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, राइट। एक और कभी स्क्वायर आ, जैसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसा कुछ मिल जाए, तो वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। हम इजीली इसको बिना क्वेश्चन करें, अगर नेट में आ रहा है या आईडी जब में आ रहा है, तो हम इसको इजीली इस तरह से कर सकते हैं। देखो इतना टाइम नहीं होता है कि हम प्रूव कर रहे हैं बेटा, है ना। तो इसमें यह करेंगे अल्फा और बीटा ले लेंगे, एक्स वन बाय वन एक्स टू बाई टू। अब कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले लेंगे एफ अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ अल्फा की वैल्यू ले ली और बीटा की वैल्यू ले ली। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये जाएगा x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2 हो जाएगा, राइट। अब इस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे x और y, तो क्या होगा x प्लस टू और y प्लस टू। तो स्टूडेंट ये हमारे पास x है, ये हमारे पास पूरा x है और ये हमारे पास y है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस टू हो जाएगा और y प्लस थ्री हो जाएगा, राइट। अब इस क्या करो, वापस क्या करो, इसको देखो यहाँ पे x1 प्लस टू और y1 प्लस थ्री ले लो यहाँ पे, है ना। फिर इसको ले लो x2 प्लस, अब देखो आप स्टूडेंट इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो हमारे पास एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू होगा। पर आप जैसे इसकी वैल्यू इसके बराबर देखोगे, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू अगर आप करोगे तो x1 प्लस टू और x2 प्लस टू हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस फोर हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस फोर। देखो इसको करते हो आप तो x1 प्लस x2 प्लस फोर आ रहा है ना, और यहाँ आएगा आपके पास y1 प्लस y2 प्लस सिक्स आ रहा है ना, जबकि अगर यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, तो विच इज नॉट इक्वल टू दिस, सो यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा, सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से हम इजीली इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, क्लियर। क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट दो बार जुड़ेगा तो ट्वाइस हो जाएगा, है ना, इसलिए बराबर नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली। यू एंड वी बी द टू वैक्टर सब स्पेसेस, है ना, ओवर द सम फील्ड एफ, शो दैट द फंक्शन टी यू टू वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ ए यू प्लस वी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस टी वी, है ना, वेयर यू एंड वी बिलोंग्स टू यू एंड ए बिलोंग्स टू एफ, राइट। तो वही सेम कहानी है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे, यू और वी बिलोंग्स टू, हमने यू ले लिया और ए बिलोंग्स टू एफ ले लिया, है ना। लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, देखो हमने मान लिया कि यहाँ पे टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको प्रूव करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये होगा, अगर ये है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इफ एंड ऑनली इफ, राइट। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट क्या होगा, ए बाहर आ जाएगा, है ना, ए टी टी ए यू इज इक्वल टू ए टी यू हो जाएगा। तो हमारे पास हम ले लेंगे ए यू प्लस वी, तो क्या हो जाएगा, ए टी यू प्लस टी वी बिकॉज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ए बाहर आ जाएगा, तो ये बहुत ईजिली यहाँ पे प्रूव करेगा। अब हम उल्टा प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे, कि अगर ये है तो ये लीनियर ट्रांसमिशन होगा, राइट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या लिया, टी यू प्लस वी लिया सबसे पहले, है ना। तो हमने क्या करें स्टूडेंट यहाँ पे, वन यू प्लस वी, तो ये वन बाहर आ गया, तो टी यू प्लस टी वी हो गया, क्लियर है, एंड देन टी यू प्लस टी वी हो गया। सो वी नो दैट इफ, अब हम ये बात करेंगे, इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी एफ ऑन टू वेक्टर स्पेस वी एफ, देन हम जानते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम जानते हैं ये क्या होगा, यू जीरो पे जीरो पे जाएगा, क्लियर है, और ए टी यू इज इक्वल टू टी यू प्लस जीरो, तो ये आ जाएगा टी यू प्लस टी जीरो, देन इसको हम इजिली यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है। तो आप इजिली यहाँ पे इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, पहले हमने ये लिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो कंडीशन हमारे पास प्रूव हुई, अब हमने ये लिया कंडीशन ली और हमने ये प्रूव किया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों कंडीशन हम यहाँ पे इजिली इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आप फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन वी थ्री आर डिफाइन एज ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल टू 2b plus c and a minus 4b comma 3, right? Corresponding to the basis, आपको basis ये दे रखा 100010, बहुत easy आराम से इस question को। अब देखो ध्यान से देना, कुछ नहीं करना, बड़ा easy question है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं ये इसका transformation है। अब 100 रखना, जहाँ पर a वहाँ 1, जहाँ b c वहाँ 00 रखना है ना, तो इसमें हम रखेंगे तो ये आएगा 013 आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, राइट। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे, जैसे इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी 00 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 013 आएगा। अब इस 013 को आप इस तरह से लिख सकते हैं बेसिस की फॉर्म में, है ना भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई होने पर अल्टीमेटली 01 है, तो इसको आएगा 0e1 प्लस 1e2 प्लस 3e3, ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, वेयर e1 e2 e3 आर स्टैंडर्ड बेसिस, राइट। इसी टाइप से टी 010 लिख सकते हैं, इसमें इसकी वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आएगा, देन 2 - 4 0 एंड देन ये बेसिस लिख दिया यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से 001 ये भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर है। अब इसके आप इजीली यहाँ पे मैट्रिक्स बना सकते हैं, है ना। कैसे मैट्रिक्स बनेगा, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास देखो मैट्रिक्स की फॉर्म क्या आ रही है, हमारे पास
यहाँ पे क्या रहा है 0, 1 and 3, तो इसमें 0, 1, 3 हम कॉलम में लिखेंगे, यह ध्यान देने की जरूरत है, 0, 1, 3 हमारे पास कॉलम में आएगा, राइट। इसी टाइप से नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्या रहा था हमारे पास 2-4, 0, राइट, तो 2-4 हमारे पास कॉलम में आएगा, राइट, तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ ले जाए तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। इससे बाद मैं आपके सामने लेने वाला हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स और बहुत अच्छे क्वेश्चन उस पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर एंड देन कैली मिल्टन थ्योरम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लास्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं, इसमें ये जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस है जो मैं नए चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, इसमें ये हमारे पास लीनियर अलजेब्रा की जो पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और ये मेरे दोनों चैनल, इसमें मेरा नया चैनल है जिसपे भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ एप्टीट्यूड के लिए, और ये मेरा मैथ्स का चैनल है जिसपे मैं भी काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।